गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है अश्मित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल R2B ब्लॉग्स। और जैसा कि आज जानते हैं कि आज 9 दिसंबर है और सुबह के करीबन 9:30 बजे या 10 बजे के आसपास जो है हम लोग पहुंच चुके हैं टांडा के पास स्थित महादेवा घाट पे, जहां पे हमारे साथ हैं हमारे कैब भाई हैं और साथ में हमारे अब से एक भाई है, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और स्क्रीन पर आपको दिख भी जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो है जाते हैं घाट की तरफ और आपको यहाँ पर सब कुछ जो है चीज़ें दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसे क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जो है भीड़ होती है, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे जो है आते हैं। तो अभी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो गाइज़ अभी आप देख सकते हैं यहीं से कुछ जो है ये इस घाट की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस साइड को जो है एक रोड गई है और इसी रोड से जो है यहाँ पर इस घाट की शुरुआत होती है। और आपको इसके पीछे अभी जो है मंदिर वगैरह जो है देखने को मिलेगा। तो अभी हम आगे जाएंगे और आपको जो है मंदिर वगैरह सब कुछ दिखाएंगे। सो गाइस अभी जो है हम लोग आप देख सकते हैं कि अभी जो हम लोग इस जो है मतलब जो रास्ता है इस साइड दो रास्ते निकले हुए हैं, एक उस साइड जाएगा और एक इस साइड जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले रास्ते पर जाएंगे क्योंकि जो यहाँ का जो घाट है वो ये जो आपको सामने एक मंदिर दिख रही होगी पिंक कलर की, ये भगवान जो है शिव भगवान की जो है मंदिर है और इसी मंदिर से जो है ये घाट जो है प्रसिद्ध है। तो अभी जो है हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो है शंकर भगवान जी के जो है दर्शन करेंगे और उसके बाद जो है आपको जो है आगे पूरा सब कुछ घुमाएंगे। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं यही सामने जो ये मंदिर है इसी मंदिर से जो है ये मतलब घाट प्रसिद्ध है महादेवा घाट के नाम से, और ये महादेव जी की आपको सामने मूर्ति भी दिख रही होगी और इसी मंदिर की वजह से जो है ये घाट काफ़ी प्रसिद्ध है। ये मंदिर जो है काफ़ी पुराना मंदिर है, यहाँ पे पहले कोई अदर जो है मंदिर वगैरह जो है नहीं था और अब जाके यहाँ पे मंदिर वगैरह बना है। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब पहले कोई मंदिर वगैरह नहीं थे, अब जाके जो है मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। वहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पर भी मंदिर वगैरह हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी मंदिर है, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो यहीं की मंदिर है और ये मंदिर ही सबसे पहले यहाँ पे जो है बनी थी। और ये आपको जो है थोड़ा मतलब रिपेयरिंग वगैरह हुआ है, इसका जो है पेंट वगैरह जो है कराया गया है, इस वजह से ये आपको थोड़ा नया देखने को मिल रहा होगा, लेकिन सबसे पुरानी मंदिर यहाँ पर यही है। और यहाँ पर कोई मंदिर नहीं थी, यहाँ पर सब कुछ जंगल वगैरह था और ये सब जो आपको देखने को मिल रहा है ये सब नए मंदिर बने हुए हैं। सो गाइस अभी देख सकते हैं कि यहाँ सामने पे भी एक मंदिर है और यहाँ पे जो है सामने आप देख सकते हैं कुछ हमारे बाबा जी बैठे हुए हैं। तो अभी हम जो है यहाँ पे इनसे पूछेंगे जो है कि इस मंदिर के बारे में, आप दादाजी इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए, यहाँ पे मतलब कैसे क्या यहाँ से शुरुआत क्या हुई थी? हाँ यहाँ महादेव जी का मंदिर है, यहाँ गंगा जी का मंदिर है। अच्छा, गंगा जी का भी मंदिर है यहाँ? गंगा जी का मंदिर, हनुमान जी महाराज का मंदिर है। हनुमान जी का भी मंदिर है यहाँ? अच्छा अच्छा, और मसान काली है नीचे। अच्छा, मसान काली माता जी का मंदिर है? मतलब मंदिर नहीं है, मसान काली है। अच्छा अच्छा, और शारजू जी महारानी है, घाघरा जी से कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे मतलब ये किस चीज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध से माना जाता है? ये यहाँ पर सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त होती है? अच्छा अच्छा, यहाँ पे देह संस्कार वगैरह जो है किए जाते हैं ऐसा जो है मतलब देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब सुने हैं कि काफी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ शमशान घाट है बगल में। अच्छा अच्छा, यहाँ बगल में शमशान घाट भी है उधर उस साइड है। तो दोस्तों अभी हम आप लोग को शमशान घाट भी उस साइड दिखाएंगे। बाकी हम बाबा जी से जानना चाहते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या जो है काम यहाँ पे होते हैं। बीच बीच में हमने सुना है कि जो है यहाँ पे पाठ रामायण वगैरह और बहुत बहुत। हाँ, यहाँ पर रामायण होता है, यज्ञ होता है। हाँ, सब कुछ होता है। अच्छा, सब कुछ होता है यहाँ? यहाँ सब कुछ। तो ये सब जो यहाँ पे मंदिरें बनी है ये आपको लगभग कितने साल पुरानी मंदिरें होंगी यहाँ पे? ये कम से कम 100 वर्ष का पुरानी मंदिर तो है। अच्छा, ये महादेव जी की। अच्छा, महादेव जी की जो मंदिर है वो 100 वर्ष से अधिक है? अधिक है, अधिक है। हाँ। अच्छा अच्छा, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है किसी को? किसी को कोई जानकारी नहीं? किसी को जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी पर पंच जो है सेवा करते हुए चला आ रहा, साधु संत उनका सेवा करते हुए चले आ रहे हैं, जो चाहते वो हो जाता है। जैसे आप आए भाव से जिन्हें महादेव जी का दर्शन करें तो आपके भाव का वो फल मिल जाता है। तो ये महादेवा जो घाट है इसको माना जाता है कि मतलब अयोध्या का ये पहला जो है गेट है ये पहला गेट है। ये मतलब अयोध्या की जो शुरुआत होती है उसका पहला ये यही है।
अच्छा, तो इसी वजह से जो है ये यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध जो है माना जाता है, और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, तो गाइज अभी आप देख सकते हैं कि जो है हम लोगों ने जो है यहाँ पे जो है आपको जानकारी दे दी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे जो बाबा जी ने जो जानकारी यहाँ पे दी है उससे आप लोगों को कुछ ना कुछ तो पता चला ही होगा। बाकी यहाँ पे आप एक देख सकते हैं पीछे यहाँ एक मंदिर बनी है, इसी मंदिर के बारे में जो है बाबा जी बता रहे थे कि ये करीबन 100 साल से भी अधिक मंदिर है, और इस मंदिर के बारे में किसी को सही से पता नहीं है कि ये मंदिर कितना साल पुराना है या कितना क्या है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है मंदिर, और यही मंदिर जो है 100 साल से भी अधिक पुरानी मंदिर है। 100 साल से अधिक ही है, क्योंकि इसके बारे में जो है सही से लोगों को पता नहीं कि ये कितनी पुरानी मंदिर है, और अभी हम इसके अंदर ही जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले मेन द्वार है ये छोटा सा गेट यहाँ पर बना हुआ है मंदिर के अंदर जाने के लिए, और अभी जो फिलहाल मंदिर के अंदर जो है आपको ताला देखने को मिलेगा, इस वजह से हम लोग जो है अभी आपको मंदिर के अंदर नहीं दिखा पाएंगे। बाकी हम आपको इधर जो है मंदिर के किनारे किनारे दिखा सकते हैं यहाँ पर ये कितनी बड़ी मंदिर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा जो है मतलब ये जो किनारे बना हुआ है ये मंदिर को मंदिर का चक्कर लगाने के लिए बना गया है, जिससे मतलब यहाँ पे जो लोग आते हैं श्रद्धालु वगैरह वो मंदिर का जो है चक्कर लगाते हैं। और यहाँ पे जो है मंदिर में ताला लगा हुआ है, अब ये किस वजह से यहाँ पे ताला लगा है ये तो नहीं पता है, लेकिन अभी जो हम आगे पूछेंगे बाबा जी लोगों से और फिर आपको बताएंगे कि यहाँ पे मंदिर में ताला क्यों लगा, क्योंकि ये इस मंदिर का थोड़ा सा रहस्य भी है जो इस मंदिर के बारे में लोग बताना नहीं चाहते हैं। अभी हम जो है लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे और अगर हमें पता चलेगा तो आपको जरूर बताएंगे। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक मंदिर है जिसके बारे में बाबा जी बता रहे थे कि यहाँ कई सारी मंदिर हैं, तो अभी एक एक करके हम आपको सारी मंदिरों के बारे में बताएंगे। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं सामने हमारे मंदिर है, लेकिन ये किस भगवान की जो है मंदिर है ये हमें नहीं पता है, तो आइए हम अंदर चल के देखते हैं किस भगवान जी की मंदिर है। गाइस अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग मंदिर के अंदर हैं, और मंदिर के अंदर आपको जो है शंकर भगवान जी की जो है ये पिंडी जिसे बोलते हैं ये पिंडी देखने को मिलेगी, और इससे पता चल रहा है कि ये शंकर भगवान जी की जो है मंदिर है, और ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ पे जो है लोग आते हैं पूजा पाठ करते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे जो है पूजा हुई है, जल्द ही पूजा हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो जो है शंकर भगवान की जो है नंदी बैल भी है, और बाकी आपको यहाँ पे जो है मूर्तियां देखने को भी मिल रही होंगी, और ये काफी अच्छी मंदिर यहाँ पे मतलब अच्छा महसूस हो रहा है, और हम तो ऐसा कहेंगे कि आप यहाँ पर एक बार जो है जरूर आइएगा जो है दर्शन करने के लिए, और ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है। अभी हम आपको यहाँ की भीड़ दिखाएंगे कि यहाँ पे कितनी सारी जनता जो है इकट्ठा हुई है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कितनी जो है गाड़ियाँ खड़ी हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि यहाँ पे जो है कितने लोगों की जो है भीड़ यहाँ पे इकट्ठा होती है। ये जो घाट है ये भी काफ़ी प्रसिद्ध घाट है, और यहाँ से काफ़ी दूर दूर के जो है लोग आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। गाइस अभी आप देख सकते हैं ये हमारे सामने जो है एक कुआं टाइप का है, मतलब कुआं टाइप का नहीं क्या कुआं है, लेकिन यहाँ पे भी लोग जो है पूजा करते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ जो है मिट्टी से हाथों के निशान जो है पड़े हैं, आपको पूरा जो है इस कुएं के चारों तरफ ये देखने को जो है मिलेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा पुराना कुआं है। करीबन इसे भी कहते हैं कि ये 100 साल से अधिक जो है ये कुआं है। तो अभी आपको यहाँ पे जो है ये देखने को मिल रहा होगा कि ये देखिए आप हाथ के जो है निशान बने हुए हैं, और ऊपर जो है लाल कलर का जो है टीका लगा है, और इससे पता चलता है कि इस कुएं की भी जो है पूजा होती है, लेकिन ये पूजा जो है इस कुएं की क्यों की जाती है ये तो हमें नहीं पता है। बाकी अगर हम आगे पता चलेगा तो हम आपको जो है ज़रूर बताएँगे। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं ये जो है सामने हमारे ये यहाँ का विश्राम स्थल है, यहाँ पर जो है जो मतलब श्रद्धालु वगैरह आते हैं, जो लोग आते हैं यहाँ पर ये विश्राम करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए भी हैं, और ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे काफ़ी लोग जो है बैठ सकते हैं। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है नीचे के साइड जा रहे हैं, बाकी यहाँ पे आपको देखने को जो है सीढ़ियाँ वगैरह यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी कि कितनी जो है लंबी सीढ़ी है, और यही जो है रास्ता जो है घाट की तरफ आपको जो है जाने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी चौड़ी यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है एक मूर्ति रखी हुई है, ये शायद दुर्गा माता जी की मंदिर है, मतलब मंदिर नहीं, ये मूर्ति यहाँ पे रखा है, और ये पीपल का पेड़ है आपको देखने को जो है मिल रहा होगा,
और ये पीपल के पेड़ पे जो है यहाँ पे माता जी की जो है पूजा होती है। और सामने आप देख सकते हैं कि एक छोटा मंदिर और भी बना हुआ है और ये शायद राम भगवान जी की मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है। सो गाइज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये छोटा सा मंदिर है इसके अंदर आपको छोटी छोटी मूर्तियाँ जो है देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पे जो है श्री राम भगवान है, हनुमान जी हैं, सीता मैया हैं और लक्ष्मण जी भी हैं, आपको जो है देखने को मिल रहा होगा अंदर। सो गाइज़ अभी आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा होगा ये एक बहुत बड़ा पेड़ है जो कि देख सकते हैं ये शायद बरगद का पेड़ है। और यहाँ पे आपको जो है जड़ें देखिए आपको किस तरीके से जो है देखने को मिल रही होंगी। ये जड़ें इस तरीके से लटकी हुई हैं कि जो है देखने में कुछ डरावनी टाइप की जो है लग रही हैं। अभी आप देख सकते हैं जो हम लोग घाट के किनारे के साइड आ चुके हैं। आपको यहाँ पे जो है कितनी भीड़ दिख रही होगी आपको जो है अंदाज़ा हो चुका होगा कि यहाँ पे कितने सारे जो है लोग आते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे भी आप देख सकते हैं पीछे कितने लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे भी जो है कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं आप देख सकते हैं। और अभी जो है हम लोग घाट के किनारे ही हैं एकदम, मतलब थोड़ा आगे जो आपको देखने को मिल रहे होंगे आदमी वही लास्ट है और वहीं पे जो है देह संस्कार वगैरह किया जाता है। और ये पूरा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है नाव है और ये नाव के अंदर जो है हम लोग जाने वाले हैं। ये देखिए। सो गाइस अभी देख सकते हैं कि आप जो है हम नाव के अंदर जो है बैठ चुके हैं और यहाँ पे आपको देखने को ये जो है मोटर देखने को जो है मिलेगा। इस मोटर के सहारे जो है ये नाव चलती है और ये जो नदी है ये अयोध्या वाली ही नदी है जो कि आपको कमरिया घाट वाले वीडियो में भी देखने को मिला रहा होगा। वो सरयू नदी थी और ये भी सरयू नदी है और ये अयोध्या वाली ही नदी है सरयू नदी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेफ्टी वगैरह का भी यहाँ पे जो है ध्यान दिया जाता है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे अभिषेक भाई जो है अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ढेर सारी जो है नाव खड़ी होंगी। आप यहाँ देखिए कितने अच्छे से ये जो है अपनी नाव को सजाए हुए रहते हैं आप देख सकते हैं। सो गाइज़ अभी आप देख सकते हैं कि जो है हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपने मतलब अपने दूसरे छोर की तरफ। और यहाँ पे आपको पीछे देखने को मिल रहा होगा कि काफ़ी ढेर सारे जो लोग हैं स्नान कर रहे हैं और ये सब देह संस्कार करके आए हैं। इस वजह से जो है ये यहाँ पे जो है देह स्नान कर रहे हैं और अभी जो है हमारा जो है हो गया और हम जो है उतरने वाले हैं। सो गाइज़ अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है बोट के अंदर से जो है निकल रहे हैं और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ढेर सारे लोग जो है स्नान भी कर रहे हैं। सो गाइज़ अभी आप देख सकते हैं कि जो है हम लोग जो है मतलब काफ़ी भीड़ हो गई यहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम एक्सपेंड करने के बाद और हम लोग को अभी हो रहा है लेट तो जो है चलते हैं घर की तरफ। और बाकी आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है कितनी सारी भीड़ है। गाइज़ अभी आप पीछे देख सकते हैं कि जो है हम लोग काफ़ी मतलब नीचे ये पड़ेगा आपको और अभी ऊपर की साइड आ रहे हैं और यहाँ पर हमारी जो है बाइक वगैरह खड़ी है तो जो है अभी यहाँ से हम अपनी बाइक लेंगे और जो है जाएंगे घर की तरफ। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हमारी जो है बाइक जो खड़ी है वो मतलब हमारी बाइक अब कैसे वहाँ से निकलेगी वही हम सोच रहे हैं। अभी मैं आप लोग को अपनी बाइक दिखाता हूँ कहाँ पे खड़ी है और इतनी गाड़ियाँ उसके पीछे खड़ी हो गई हैं कि बाइक निकालने में बहुत दिक्कत होगी। सो गाइज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारी बाइक खड़ी है और इसके पीछे आप देख सकते हैं इतनी सारी ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं कि हमारी जो है गाड़ी अब निकलेगी कहाँ से। आगे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सब गाड़ियाँ खड़ी हैं तो काफ़ी अभी मशक्क़त के बाद जो है हम लोगों को यहाँ से गाड़ी निकालना पड़ेगा। तो गाइस अभी देख सकते हैं कि आप हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और काफ़ी मशक्कत के बाद जो है हमारी बाइक जो है वहाँ से निकली है तो अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं घर की तरफ। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको ऐसे ही फिर किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।